यस नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन लाइन से। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ सीखा जाता है। आप लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि आप भी इस लॉकडाउन के दौरान, इस वर्चुअल क्लासेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और आप अपने को दूसरों से बहुत आगे ले जाइए। देखिए आज हम डिस्कस करते हैं एक जीन की वंशागत। देखिए एक जीन की वंशागत, इसके पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि जो जीन होता है वो एक्चुअली क्या होता है। देखिए जो जीन होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट है जिससे क्या बनता है, कोई ना कोई लक्षण बन जाता है। तो डीएनए का वह पार्ट जिससे एक लक्षण बनता है वो जीन कहलाता है। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे और बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का अनुवांशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतत पीढ़ी या F1 जनरेशन कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात उनमें लंबे जनक के करैक्टर ही प्रकट थे और कोई भी पौधा लंबा नहीं मिला। देखिए कहरे का तात्पर्य यह था कि जिसे मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कैपिटल टी, ये लंबा प्योर लंबा पौधा यानी शुद्ध लंबा पौधे का जब क्रॉस करवाया था बौने पौधे के साथ में, तो इनको जो F1 पीढ़ी में सारे पौधे जो प्राप्त हुए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले मिले, यानी संकर लंबे पौधे थे जो उनको मिले थे F1 पीढ़ी में। और ये पीढ़ी इसको बोलते हैं P1 जनरेशन, ठीक है। सारे संकर लंबे पौधे इनको प्राप्त हुए थे। लेकिन उसके बाद में F1 जनरेशन में जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो इनको जो है ये चेकर बोर्ड के ये आपका जो है F2 जनरेशन यहाँ पे मिलेगी। जब सेल्फ पॉलिनेशन करोगे, ये मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। जब इनको मिलाओगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा और यहाँ पे स्मॉल। यानी अगर देखा जाए तो इसमें जो पौधे हैं ये भी लंबा और ये भी लंबा, यानी तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना, यानी रेशियो जो मिलेगा फीनोटाइप वो 3:1 मिलता है। तो मेंडल ने फिर F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधों को जो है वही आगे लिखा कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी सिर्फ परागित करके देखा, तो उनको F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो 25% पौधे जो है उनको बौने पौधे जो है प्राप्त हुए थे और उनमें जो रेशियो था वो 3:1 था, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जैसे एक ये F1 जन की पीढ़ी है, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है और इस लंबे पौधे बौने पौधे का जब ये क्रॉस किया जाता है, तो जब क्रॉस कराया जाता है तो ये P1, इसको हम P1 जनरेशन मान लेते हैं। और इसके बाद में सारे पौधे आपको मिलेंगे लंबे पौधे, यानी ये भी लंबा और दो और बना लेते हैं, यानी ये दो पौधे भी लंबे हैं, ठीक। तो जब इन पौधों में क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे देखो लिखा है स्वपरागण। इन पौधों में जब स्वपरागण किया गया तो पौधे जो प्राप्त हुए वो जो पौधे प्राप्त हुए वो इस प्रकार से प्राप्त हुए, देखते हैं ये। जब F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें से ये लंबा, यानी तीन पौधे जो थे लंबे थे और एक पौधा बौना था, यानी जो रेशियो था वो 3:1 का था, ठीक। वही बात वहाँ पे लिखी भी हुई थी। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपवर्तित रूप में जनक से संतत के युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक, यानी मेंडल को पता नहीं था, तो उन्होंने इस फैक्टर को उन्होंने कारक कहा जो आगे चलकर जीन के रूप में कहा जाने लगा। दूसरे शब्दों में जीन जो होती है वो अनुवांशिकता की इकाई होती है, यानी जितने भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जीन में अभिव्यक्त रहते हैं, जीन में छिपे रहते हैं और बाद में आगे चलकर ये प्रकट हो जाते हैं जिससे कोई ना कोई लक्षण बन जाता है। अब एक ये शब्द यहाँ पर आता है एलील, तो भैया एलील जान लो क्या होते हैं। एलील होते हैं ये, जैसे ये कोई एक सेल है, ठीक। इस सेल में
बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत ये आपका जो है डीएनए होता है। इस डीएनए को बाहर निकाल लो, जब बाहर निकालोगे तो डीएनए आपको इस फॉर्म में ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपके बेस पेयर होते हैं ATGC, है ना, ऐसे करके। तो मान लेते कि डीएनए के इतने पार्ट से अगर कोई लक्षण बनता है, इतने पार्ट से क्या बनेगा, एक लक्षण बन जाता है। तो एक लक्षण बनने के लिए एक जीन होना चाहिए, यानी एक लक्षण को बनाने के लिए क्या जीन चाहिए, एक लक्षण। एक लक्षण मान लेते हैं पौधे की लंबाई, है ना, एक लक्षण माने पौधे की लंबाई, उसको बनाने के लिए एक जीन, टी जीन, और टी जीन के दो, एक जीन कौन सा, टी जीन, और टी जीन के दो फॉर्म, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। तो एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म एलील कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं एलील। एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं एलील। ठीक, बात समझ में आई होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो लिखा एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं वो आपके एलील कहलाते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण यौवन पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से, और विपरीत लक्षण को छोटे अक्षर से प्रकट किया जाता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे यहाँ भी आपको लिखा गया कि लंबे के लिए हम कैपिटल टी और बौने के लिए हम स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। टी और टी एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील होते हैं, है ना। कहा था कि एक लक्षण मान लीजिए एक टी जीन है, उस टी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म में कैपिटल टी और स्मॉल टी, आपस में क्या कहते हैं, एलील कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पौधे में ऊंचाई के लिए एलील जोड़े इस प्रकार होंगे, जैसे कैपिटल टी तब भी पौधा लंबा बनेगा, तब भी पौधा लंबा बनेगा, अगर कैपिटल स्मॉल टी फिर भी लंबा बनेगा, लेकिन यदि स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाता है तो पौधा जो है वो बौना हो जाएगा। आगे एक चीज़ और आती है यहाँ से, होमोजाइगस क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। देखो जैसे अगर एलील हैं, अगर एलील की दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल टी वाली होती हैं तो इस अवस्था को हम होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। जैसे स्मॉल टी है तो इस अवस्था को भी हम होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। लेकिन यदि एक जीन के अगर एक फॉर्म एक अगर फॉर्म है कैपिटल टी और दूसरी अगर फॉर्म है स्मॉल टी, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटरोजाइगस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटरोजाइगस। ठीक, ये अवस्था आपकी हेटरोजाइगस कहलाती है। तो ठीक, वही आपका लिखा भी है, पौधे का जीनोटाइप। अच्छा, जीनोटाइप क्या होता है, देखो जो लक्षण हमको देखने से प्रकट होता है, जैसे जीनोटाइप का मतलब जो लक्षण हमको सॉरी देखने से नहीं, जीनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण हम जीनी संरचना को देखकर प्राप्त करते हैं वो आपका जीनोटाइप कहलाता है। यानी डीएनए के लेवल पे जो लक्षण हम डीएनए के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। और जो लक्षण हमको देखने से लगता है कि बहुत पौधा छोटा है, बड़ा है, बौना है ना, या मध्यम उम्र का है, तो वो फिनोटाइप कहलाता है। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी, यानी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी का फिनोटाइप था वो देखने में तो पौधे लंबे थे लेकिन बिल्कुल टी टी के जैसे, जैसे शुद्ध लंबा था वैसे ही वो भी लंबे थे और समान भी प्रतीत हो रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने देखा कि जो कैपिटल टी वाला जो जीन है वो स्मॉल टी वाले जीन पे हावी है, यानी ये प्रभावी है और ये अपना प्रभाव दिखा कि इस वाले को दबा दे रहा है ना, इसके प्रभाव को ख़त्म कर दे रहा है, तो ये प्रभावी है, इसको डोमिनेंस इन्होंने कहा, और जो छिप रहा है इसको इन्होंने रिसेसिव कहा। और यहीं से इन्होंने इनका पहला नियम आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जब हम मेंडल के नियम डिस्कस करेंगे तो हम इसी को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली होता क्या है कि जब एक जो आपके जीन है, जीन के जो अल्टरनेटिव दो फॉर्म होते हैं, अगर कैपिटल टी वाला स्मॉल टी को दबा रहा है, यानी प्रभावी जो है वो अप्रभावी को दबा रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। ठीक, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे। ठीक,
यहीं से आती है प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक है। और इन्होंने कहा कि जैसे एक जीन है, ठीक है, एक जीन जैसे है कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी के आपने फॉर्म इस कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया। कभी ये नहीं हुआ कि इसको कैपिटल टी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको स्मॉल सी मान लिया, इसको जी मान लिया, ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना बहुत जो है कठिन हो जाएगा कि जैसे एक को कैपिटल टी मान लिया, एक को डी मान लिया, है ना, ऐसा आप कभी नहीं करोगे। वही यहाँ पर लिखा भी है, समयुग्म की मामलों में एलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट होंगे, जैसे आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक जो लक्षण होगा वो ऊंचाई को ही इंडिकेट करेगा, ऊंचाई के लिए ही होते हैं। और इस प्रकार के क्रॉस को जब एक लक्षण को ध्यान में क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, जब एक लक्षण को ध्यान में रख कर किया कोई क्रॉस कराया जाता है या कोई क्रॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हिंदी में एकल संकर संकरण कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स इफ एनी डाउट्स, व्हाट्सएप नंबर दैट इज 8081581341। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।